करके देखें, इनके मान ज्ञात कीजिए। पहला 16/81 पूरे की घात 3/4 गुणित 16/81 पूरे की घात 5/4। दूसरा 16/81 पूरे की घात 3/4 धन 5/4। तीसरा 16/81 पूरे की घात 5/4 ऋण 3/4। चौथा 8^2/3। कौन सी संख्या बड़ी है? 27 और 16 में 27 बड़ी है, परंतु वर्गमूल 16 और घनमूल 27 में कौन सी संख्या बड़ी है? वर्गमूल 16 बराबर वर्गमूल 2×2×2×2 यानि वर्गमूल 16 बराबर 2×2 बराबर 4 और घनमूल 27 बराबर घनमूल 3×3×3 यानि घनमूल 27 बराबर 3। अतः वर्गमूल 16 बड़ा है घनमूल 27 से। इसी तरह छठवां मूल 64 बड़ा है अथवा घनमूल 125। छठवां मूल 64 बराबर छठवां मूल 2×2×2×2×2×2 बराबर 2। घनमूल 125 बराबर घनमूल 5×5×5 बराबर 5। करके देखें, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? पहला घनमूल 125 वर्गमूल 36, दूसरा वर्गमूल 121 घनमूल 729, तीसरा चौथा मूल 625 पांचवा मूल 1024। चौथा घनमूल 125 घनमूल 729 पांचवा मूल 1024 वर्गमूल 36 को अवरोही क्रम में लिखिए। करणी SURDS। एक अपरिमेय संख्या पीवा मूल A करणी कहलाती है, जहां A एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इस चिन्ह को करणी चिन्ह कहते हैं। P को करणी का घातांक और A को करणीगत राशि कहते हैं। वर्गमूल 5, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, जबकि घनमूल 8 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि घनमूल 8 बराबर 2। वर्गमूल 5, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 में करणीगत राशि क्रमशः 5, 3, 2 धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए वर्गमूल 5, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 करणी हैं। घनमूल 8 में करणीगत राशि धनात्मक परिमेय संख्या है, परंतु घनमूल 8 अपरिमेय नहीं है, इसलिए घनमूल 8 करणी नहीं है। क्या वर्गमूल के अंदर 2 धन वर्गमूल 3 करणी है? चूंकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है, चूंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 2 धन वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल के अंदर 2 धन वर्गमूल 3 में करणीगत राशि अपरिमेय है, अतः यह करणी नहीं है। करके देखें, पहला वर्गमूल के अंदर 3 धन वर्गमूल 16, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल 16, वर्गमूल के अंदर 3 धन वर्गमूल 2 में करणी पहचाने व अपने चुनाव का कारण लिखें। दूसरा, तीन ऐसी संख्याएं लिखें जो अपरिमेय हैं किंतु करणी नहीं है।